अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज क्लास 8 एक्सरसाइज 2.11 को आज सोल्यूशन उसका करेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.11 क्लास 8। पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो उसमें मैं जो फार्मूला यूज हो रहा है वो डिस्कस करते हैं। फैक्टर की टाइप्स कौन सी यूज हो रही है देखें, उसमें जो टाइप जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये तो एक आपको पता है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस, प्लस हुआ तो प्लस, तो ये तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। फिर दोबारा इसको जब इस टर्म को क्लोज करेंगे तो ये टर्म जो हमने पढ़ी थी ए की पावर टू हो जाएगी, इसी तरह बी की पावर टू, फिर एक बार आप माइनस में और एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट फॉर्म वैसे बन जाएगी। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज, फैक्टर बना के देना है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब देखें जो हमारे पास पहले है ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम फार्मूले में क्लोज करें तो ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस वैसे सी का स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल का स्क्वायर ओपन करें वहीं आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये फार्मूला आपका याद करें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया है, जिसको आपने एक बार क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी एक बार प्लस में लिख सकते थे इंटू एक बार ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये किसके इक्वल होता था, ए का स्क्वायर माइनस बी का। अब ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म आई हुई है, तो आप ये देखें ए का स्क्वायर में भी, तो ये स्क्वायर तो नहीं आएगा, ये एक बार प्लस में लिख देंगे इसको, एक बार माइनस में लिख देंगे, ये नहीं आएगा। तो देखें इसको हमने एक बार प्लस में लिख दिया है ए प्लस बी प्लस सी, एक बार इसको क्या कर दिया माइनस में लिख दिया प्लस बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ए का स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 16c का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो इसे देखें जो ए का स्क्वायर है ये प्लस 6ab है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9b के स्क्वायर को हम 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 3 तो 9 हो जाएगा भी। तो ये देखें 6 को हम 2a इंटू 3b, तो ये हमारे पास फार्मूला में अगर क्लोज करें इसको इधर प्लस 3b स्क्वायर, तो फार्मूले में क्लोज करें तो ये क्या बन जाएगा, ये सारा होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, इसको सारे को होल का स्क्वायर, किसका होल का स्क्वायर बन सकता है, a प्लस होल का स्क्वायर अगर इसको बनाए तो a प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी ए प्लस 3b होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4c स्क्वायर, तो एक बार प्लस में a हमारे पास क्या है a प्लस 3b, एक बार प्लस में a प्लस b लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है, हमारे पास क्वेश्चन है 9a का स्क्वायर माइनस 6ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 16c का स्क्वायर। तो हम 9 को हम 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 होता है, a भी लिख सकते हैं। अब इसे देखें जो 16c का स्क्वायर है, 16c के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मैं 4 का c का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का c का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर वैसे आ गया था 4। अब देखिए ये फार्मूला नहीं क्लोज हो जाएगा, ए के फार्मूले में अगर हम इसे क्लोज कर दें, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए क्या 3a और माइनस बी में बी है, ए माइनस 3a माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया, एक बार 3a माइनस बी प्लस 4c एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार इसको हमने क्या कर दिया माइनस में इसे लिख दिया, तो आंसर क्या आया 3a माइनस बी प्लस 4c इंटू 3a माइनस बी माइनस 4c, एक बार इसको प्लस में कर